हे गाइस, वेलकम टू HS Tech Zone। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको Redmi Note 8 Pro के बारे में। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी Redmi Note 7 Pro ही लॉन्च हुआ है, तो अब यहाँ पर Redmi Note 8 Pro कहाँ से आ गया। दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि अलग अलग वेबसाइट पर जो Redmi Note 8 है उसकी जो लीक्स वगैरह और जो र्यूमर्स हैं वो सभी कुछ आ चुके हैं, और जो कंपनी होती है वो पहले से ही वर्क करना स्टार्ट कर देती है अपने नेक्स्ट डिवाइस पर। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं उन लीक्स और र्यूमर्स के बारे में जो Redmi Note 8 Pro के बारे में निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जो आज वीडियो देखेंगे ना, ये वीडियो चल रही है जो स्क्रीन पर, ये किसी पुराने डिवाइस की हो सकती हैं जो Redmi के Xiaomi की तरफ से आए हुए हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि वीडियो अलग लगा दी है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अलग किसी डिवाइस के बारे में दे रहा हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पास वाली नोटिफिकेशन का आइकन आएगा तो आपने उस पर भी क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। चलिए, अब बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना है। अगर बात की यहाँ पर डिजाइन की, दोस्तों Redmi Note 8 Pro में आपको देखने को मिलेगी बैक में ग्रेडिएंट फिनिश, जाने की जो आएगा ग्रेडिएंट डिजाइन, जैसा कि सेम रहता है Redmi Note 7 Pro में, तो बिल्कुल वही चीज़ आपको देखने मिलने वाली है। क्योंकि Xiaomi का यह पुराना रिकॉर्ड है, वो एक ही डिजाइन को बार बार लगाते रहते हैं एक ही डिवाइस में, जब तक कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आते हैं। उसके बाद में अगर बात की है यहाँ पर डिस्प्ले की, तो आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल सकती है, क्योंकि Xiaomi इस बार देने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा तो उसके लिए AMOLED डिस्प्ले ही वर्क करती है, तो इसलिए इस बार आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अगर बात की यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप सेम रहने वाला जैसा कि Redmi Note 7 Pro में आया है। 48 मेगापिक्सल का बैक सेंसर रहने वाला है, लेकिन उसमें सेंसर होगा वो अपग्रेड आएगा, यानी कि जैसे Redmi Note 7 Pro में आपको मिला है IMX586, अगर उसके बाद में कोई न्यू सेंसर आ जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सेंगर सेंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, विद ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद में अगर बात किया फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इस बार आपको 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन Xiaomi वाले इस बार बिल्कुल भी धोखा नहीं करने वाले हैं, जैसे कि Redmi Note 7 Pro में करा है, उन्होंने दिया केवल 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। साथ ही आपको फ्रंट कैमरे के साथ में स्क्रीन फ्लैश और AI का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर बात की यहाँ पर प्रोसेसर की, दोस्तों प्रोसेसर के मामले में Xiaomi अब हर बार ही न्यू डिवाइस का अपग्रेड करता रहेगा, जाने कि जैसे पहले आया था ना Redmi Note 5 Pro के बाद में Redmi Note 6 Pro आया था, तो दोनों में सेम प्रोसेसर देखने को मिला था, तो इसी कारण से जो Redmi Note 6 Pro था उसकी इतनी सेल नहीं हुई थी। तो Xiaomi इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला है, आपको देने वाले हैं इस बार Qualcomm Snapdragon 712, जो बिल्कुल एक लेटेस्ट प्रोसेसर आया है मिड रेंज डिवाइसों के लिए। उसके बाद में अगर बात की 5G सपोर्ट की, दोस्तों ये जो प्रोसेसर है तो ये 5G सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए Redmi Note 8 Pro 5G सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद में अगर बात की यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी आपको ट्रेडिशनल देखने मिलने वाली है 4000mAh की, विद क्विक चार्ज सपोर्ट, यानी कि ये आपका डिवाइस होगा वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा। उसके बाद में अगर बात के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर MIUI 10, जो बेस्ड होगा एंड्रॉयड पाई पर, यानी कि 9.0 पर। उसके बाद में जो MIUI 11 आएगा, साथ ही जो नेक्स्ट एंड्रॉयड अपडेट आएगा, तो वो सभी भी आपको देखने को मिलेंगे Redmi Note 8 Pro में। उसके बाद में अगर बात के यहाँ पर लास्ट बट नॉट लिस्ट लॉन्च डेट और प्राइस, जाने कि ये कब लॉन्च होगा और इसका प्राइस क्या रहने वाला है। दोस्तों बता दो, जो Redmi Note 5 Pro था वो मार्च महीने के दौरान लॉन्च हुआ था 2018 के। उसके बाद में जो Redmi Note 6 Pro था, तो वो आया था यहाँ पर नवंबर महीने के दौरान इंडिया में। तो इसलिए ये Xiaomi वाले हैं इस बार जल्द ही लेकर आने वाले हैं Redmi Note 8 Pro को, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर Realme हो गया और Samsung भी अब तो मिड बजट रेंज में अच्छे अच्छे डिवाइस निकालने लग गया है, तो अब Xiaomi वाले को जल्दी करना पड़ेगा अगर इन्होंने अपनी मार्केट में पकड़ बना के रखनी है। तो ये जो लॉन्च कर सकते हैं इस बार, इसे लॉन्च कर सकते हैं सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के दौरान। अगर बात की इसके प्राइस की, दोस्तों इसका जो प्राइस रहने वाला वो केवल यहाँ पर 12,999 रुपये से बेस वेरिएंट स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप क्या सोचते हैं Xiaomi के बारे में, क्या Xiaomi जल्द ही ये डिवाइस लॉन्च करेगा या फिर नहीं, और Xiaomi के बाद में ये सारे जो डिवाइस है मिड रेंज वाले वो किल हो जाएगा नहीं, तो आपने मुझे कमेंट में अवश्य बताना है। दोस्तों फिलहाल तो आज की वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताना था यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।